फर्जी EWS का सर्टिफिकेट लगा के IAS बन जा रहा है। अरे वो 2 लाख में IPS बना तो पकड़ा भी तो गया ना, 5 लाख में राष्ट्रपति ये बनाता, राष्ट्रपति बन के दिल्ली पहुंच जाता, खाली कर बंगला द्रौपदी मुर्मू। ये जो एज होता है ना, जो माँ बाप को चाहिए कि बोलना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई करो मन लगा के, फर्स्ट सेकंड रैंक बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, लेकिन सीरियस पढ़ाई करना है। यहाँ पर ये नहीं कहो कि तुम अपनी लापरवाही से हुए, क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो सकते हैं, रिपीटर बैच के बच्चे आएंगे तो एक्सपीरियंस लेके आगे आएंगे, आपसे ज्यादा बेटर रहेंगे। लेकिन वो होड़ में ना, ये क्या हो रहा है, कई बच्चे झूठ बोलते रहे हैं यहाँ पे, हद तो तब इतना घर वालों का प्रेशर हो गया है जिसका कोई हद नहीं। एक लड़की थी जो UPSC की तैयारी करती थी दिल्ली, 4 साल तैयारी करते हो गया, घर वाला इतना प्रेशर बना दिया कि बेचारी क्या करे। जब UPSC का रिजल्ट आया तो उसी के नाम पे कोई दूसरी लड़की का रिजल्ट हुआ, तो उसकी बहन खुशी से फोन की, दीदी दीदी आपका रिजल्ट हो गया, हम देख लिए, जबकि वो पहले से देख ली थी कि उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो कहती हाँ हाँ हो गया है, घर वाला मिठाई बांट दिया, घर वाला क्या बांट दिया, मिठाई बांट दिया, प्रधान आके सम्मानित कर दिया, मीडिया पहुंच गई, पिताजी से बाइट ले ली, लड़की का सेम नाम से था, कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, उस एरिया के DM SDM भी पुरस्कृत कर दिए। उत्तर प्रदेश की घटना है, लड़की कही कि ठीक है, हाँ दुका कह रही है, पापा का नाम, अरे रिजल्टों में पापा का नाम लिखा रहता है, बकलोले है पूरा, स्टूडेंट का नाम रहता है, रोल नंबर किसको याद रहता है, स्टूडेंट को खुद ही याद नहीं रहता है, तो मिलाता है कि यही रोल नंबर है कि नहीं। अब उसके बाद घरे हल्ला कर दी कि हमारा राजदूत में हो गया, एम्बेसडर में, कही कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली जबकि थी दिल्ली में ही। उसके बाद का ट्रेनिंग में कभी वीडियो कॉल नहीं की, फिर कभी हमारे स्पेन में ड्यूटी लगाया, थी कहाँ पे, दिल्ली में, बाद में पकड़ा गया। सोचो वो झूठ एक और देख सकते हो, लेकिन जरा सोचना कि एक स्टूडेंट के ऊपर किस कदर का प्रेशर है कि वो सब कुछ जानते हुए इतना झूठ बर्दाश्त कर पा रहा है, लेकिन माँ बाप का वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। जबकि वो लड़की प्री दी थी, मेंस दी थी, इंटरव्यू दी थी, तब ना उसकी बहन फाइनल लिस्ट में चेक की, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाई। मेरिट लिस्ट में 2-4 नंबर से बच्चे छटते हैं, कितना भयंकर प्रेशर रहता है एक विद्यार्थी के ऊपर, सोच सकते हैं। और उसमें सही फर्जी EWS का सर्टिफिकेट लगा के IAS बन जा रहा है सब, इंच एक तो यही छोटा सब कंगाली में आटा गीला कर, बताओ क्या जरूरत है फर्जी लगाने का। अरे वो 2 लाख में IPS बना तो पकड़ा भी तो गया ना, कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं ना ले लिया, ठग गया वो, गधा बेवकूफ था वो। एक देहात में कहावत कहा जाता है कि बकलोल लगे धन रही तो होशियार खैला भी ना मरी, बकलोल के पास पैसा तो 2 लाख को ना चिपका दिया के लिए तो IPS बना देते हैं। तो ये ठगी नहीं कहिए, उस गधे की बेवकूफी कहिए। ठीक हुआ 4 लाख देके DGP नहीं बनाया, 5 लाख में राष्ट्रपति ये बनाता राष्ट्रपति बन के दिल्ली पहुंच जाता, खाली कर बंगला कौन है, द्रौपदी मुर्मू, खत्म टाइम आपका। कोटा में समझ जा रहा है, एक तो ये रीजन है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है लड़का लड़की का उधर में इहो चक्कर में लाल पीला हरा में भी सुसाइड कर रहा है। ये जो एज होता है ना, जो इंजीनियरिंग मेडिकल के बच्चे होते हैं 11th 12th वाले, अभी नया नया एक्सपोजर होता है उनका, गांव में बेचारा साथे पढ़ा रहता है सब, मैट्रिक इंटर, और कुछ बच्चे वहां 7 प्लान करके चलते हैं कोटा, सड़क उस पर तुम, सड़क इस पर हम, पहले हुआ कोनो दूसरे के मोटरसाइकिल पे देख लेता है, दिल के अरमा कोटा में आके। ये भी चीजें है वहां पे कोटा।